खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। T20, वनडे और टेस्ट मैच तीनों के लिए टीमों का ऐलान हो चुका है। MS के प्रसाद ने बहुत सारी बातें कही और हर टीम में क्या है बड़ी बातें, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली खबर यह है कि ऋषभ पंत होंगे टीम इंडिया के नंबर वन विकेट कीपर। नंबर वन विकेट कीपर यानी कि ऋषभ पंत, चाहे वो T20 खेलें, वनडे खेलें या टेस्ट मैच, विकेट कीपिंग वो ही करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि रिद्धिमान साहा अब ऋषभ पंत के बैकअप विकेट कीपर होंगे और महेंद्र सिंह धोनी जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, वो जब भी आएंगे तो वो बैकअप होंगे ऋषभ पंत के। इतना बड़ा चेंज टीम इंडिया ने किया है अगले वर्ल्ड कप के चलते हुए। रिटायरमेंट इज प्योरली इंडिविजुअल। अ लेजेंडरी क्रिकेटर लाइक MS धोनी, दे नो व्हेन टू रिटायर, बट व्हाट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट इज द रोड मैप दैट वी हैव टू लुक एट इज इन द हैंड्स ऑफ सिलेक्शन कमिटी। बट हैविंग सेड दैट, वी हैड सर्टन रोड मैप एंड प्लान्स टिल द वर्ल्ड कप। सब्सिक्वेंटली पोस्ट वर्ल्ड कप वी हैव लेड डाउन फ्यू मोर प्लान्स and we thought of giving as many opportunities as possible to Rishabh Pant and to see he's groomed, so this is our plan right now. दूसरी बड़ी खबर कि विराट कोहली के कप्तानी पर कोई संकट नहीं है, ना कोई स्प्लिट कैप्टेंसी होगी। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में कप्तान बने रहेंगे। रोहित शर्मा शॉर्टर फॉर्मेट्स व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी कि T20 और वनडे में उप कप्तान होंगे विराट कोहली के, जैसे कि वो पहले भी होते रहे हैं, और अजिंक्य रहाणे टेस्ट क्रिकेट में उप कप्तान रहेंगे जैसे वो पहले भी रहे थे। तीसरी बड़ी खबर, अब इंडियन मिडल ऑर्डर का हिस्सा होंगे श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे और ऋषभ पंत। जी हां, ये है स्वरूप इंडिया के नए मिडल ऑर्डर का। श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे, ये दोनों ही वो खिलाड़ी हैं जो पहले भी ट्राई किए गए थे लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन अब सेलेक्टर्स को लगता है कि ये दोनों 2023 में जब अगला विश्व कप होगा तब ये होंगे हमारे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज। तो नया मिडल ऑर्डर श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे और साथ ही साथ ऋषभ पंत। एक और सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि इंडिया के विश्व कप में हार का सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है दिनेश कार्तिक, क्योंकि सेलेक्टर्स के मुताबिक दिनेश कार्तिक ही वो एकमात्र शख्स हैं जो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हो पाए। यहां तक कि केदार जाधव को भी T20 का हिस्सा बनाया गया है लेकिन दिनेश कार्तिक को नहीं। MS धोनी को आराम दिया गया है, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, विजय शंकर भी इंजर्ड है, यानी कि किसी की अगर गलती है टीम इंडिया के हार की इस विश्व कप में तो वो है दिनेश कार्तिक। चलते चलते एक और बड़ी खबर ये कि MS के प्रसाद से पूछा गया कि अंबाइटी राइडू के बारे में उनका क्या कहना है। इन द बेस्ट एंड ड्यू टू सर्टेन परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द साइट वी कुडंट पिक हिम, सो दैट डजंट मेक दिस सिलेक्शन कमिटी और मी इन पर्सन एनीथिंग anything being biased to a particular person. Honestly speaking, that is lovely tweet. I really enjoyed it. Yeah. Seriously, you know, it was very timely one. ये है ABP News. आपको रखे आगे।